हेलो फ्रेंड, देखिए आज हम आपके लिए लाए हैं न्यू डिज़ाइन। दो कलर का है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। देख रहे हैं आप कितना सुंदर लग रहा है, और इसको बनाना भी बहुत आसान है। आप बड़ी आसानी से इसको बना सकते हैं। ये चार सिलाइयों का डिज़ाइन है, चार सिलाइयों में एक डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है, और चार के ही मल्टीपल फंदों में ये डिज़ाइन बनता है। चार तीन ये, एक ये, तीन ये, एक ये, चार, और तीन फंदे आप एक्स्ट्रा रखेंगे। जब भी आप डिज़ाइन डालेंगे तो चार के मल्टीपल फंदों में लेंगे और तीन फंदे एक्स्ट्रा। मैंने इसमें 10 नंबर की सिलाइयों का यूज़ किया है। और अगर आपको ऐसी ही नई नई डिज़ाइन देखना है तो फ्रेंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए अब अपनी बुनाई बनाते हैं। देखिए, हमने आपको बताने के लिए सिलाई में 11 फंदे लिए हैं और 10 नंबर की सिलाइयाँ यूज़ की हैं। और ये पहली लाइन अपनी स्टार्ट करते हैं। तो पहली लाइन देखिए, तीन सीधे बनाएंगे, तीन फंदे सीधे बन गए। अब जो चौथे फंदे पर हम इस तरह से दो बार लपेट के फंदा निकालेंगे। चौथे फंदे पर दो बार फंदा लपेटेंगे, फिर से तीन फंदे सीधे बनाएंगे, एक, दो, तीन। तीन फंदे सीधे बना दिए और फिर से हम चौथे फंदे पर धागा लपेटेंगे दो बार, फिर तीन फंदे सीधे, एक, दो, तीन। तीन फंदे सीधे बन गए। उल्टी साइड से दूसरी सिलाई, पहला फंदा हमने ऐसे उतार लिया, आप चाहे तो बुन लीजिए। दो फंदे उल्टे बनाएंगे, दो फंदे सीधे बनाएंगे। तीसरा वाला तो हमने बुना नहीं है, ये तीन फंदे हो गए हैं। जो इधर हमने तीन फंदे सीधे लिए थे, अब हम इधर से भी सीधा बुनेंगे, इधर उल्टे रहेंगे, सीधी साइड के लिए उल्टे फंदे रहेंगे ये। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे को, जिसको हमने डबल लिया है, इसको भी फिर से दो बार ही लपेट कर धागा ये निकालेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे और तीन फंदे सीधे बनाएंगे, तीन फंदे सीधे बना दिए, धागा अपनी तरफ करेंगे और ये जो फंदा हमने डबल धागा लपेट कर बनाया, इसको फिर से हम डबल धागा ही लपेटेंगे, दो बार धागा लपेटेंगे और फिर धागा पीछे करेंगे और तीन फंदे हम सीधे बनाएंगे। सीधी तरफ से तीसरी लाइन देखिए, हम तीनों फंदों को सीधा बुनेंगे, तीन फंदे सीधे बना दिए। ये जो हमने धागा डबल दो बार लपेट कर निकाला हुआ फंदा, फिर से दो बार ही लपेट कर फंदा निकालेंगे और तीन फंदे सीधे, एक, दो, तीन। तीन फंदे सीधे बना दिए हमने। अब देखिए, ये दो बार लपेटा हुआ धागा है, इसको फिर से हम दो बार ही लपेटेंगे, फिर तीन फंदे सीधे, दो और तीन। तीन फंदे सीधे निकाल लिए हैं उल्टी साइड से, फिर से हम तीन फंदे सीधे बनाएंगे, तीन। तीन फंदे सीधे बन गए, इसको दो बार लपेट कर धागा ये फंदा निकाला है, तो फिर से इसको दो बार लपेटेंगे, पर धागा अपनी तरफ करेंगे और दो बार लपेट कर निकालेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे और फिर से हम तीन फंदे सीधे बनाएंगे, एक, दो, तीन। ये दो बार लपेटा हुआ है, इसको फिर से दो बार लपेटेंगे, पर धागा अपनी तरफ करेंगे और इसको दो बार लपेट कर फंदा निकालेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे और तीन फंदे सीधे बनाएंगे। तीन फंदे सीधे बना लिए। अब देखिए, अब हम दूसरा धागा जोड़ेंगे इसमें। देखिए, हमने अपना दूसरा धागा जोड़ लिया है इसमें, दूसरे कलर का। अब हम फिर से तीन फंदे सीधे बनाएंगे, एक,
दो, एक, दो, तीन। तीन फंदे सीधे बना लिए हमने। अब देखिए ये जो धागा हमने दो बार लपेटा हुआ है इसको अब हम खोलेंगे। एक, दो, तीन, चार। चार बार हमने धागा ये खोल दिया है और ये फंदा हमने नीचे वाला लेकर ये चारों फंदे इस तरह से रखेंगे और इस फंदे को उठाकर हम इसके ऊपर से इस तरह से निकाल देंगे। फिर ये इस सलाई में करेंगे चारों फंदे और अब हम इनको डबल बनाएंगे। दो बार लपेट कर फंदा लेंगे। दो बार फंदा लपेट के हमने ले लिया है। फिर से तीन फंदे सीधे बनाएंगे। तीन फंदे सीधे बन गए। फिर से ये आ गए हैं डबल, जहां हमने दो बार लपेट कर फंदे ने बनाए थे इनको हम खोलना है तो चार बार खोलेंगे चार फंदे। चार फंदे हमने खोल दिए हैं। और इनको इस तरह से लेंगे और इस फंदे को हम इनके ऊपर से इस तरह से निकाल देंगे। फिर ये चारों फंदे इनको एक साथ बनाएंगे पर धागा इस पर फिर से डबल लपेट कर ही निकालेंगे। और देखिए फिर से तीन फंदे हम सीधे उल्टी तरफ से जैसे हर बार निकालते आए हैं उसी तरह से निकालेंगे। तीन फंदे सीधे और धागा अपनी तरफ। इस फंदे को फिर से हम दो बार लपेट कर निकालेंगे। फिर धागा पीछे करेंगे और तीन फंदे सीधे बनाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और दो बार लपेटेंगे। फिर से धागा पीछे करेंगे और तीन फंदे सीधे बनाएंगे। तीन फंदे सीधे बना लिए। अब देखिए सीधी तरफ से तीन फंदों को हम सीधा बुनेंगे। फिर से और ये वाला जो दो बार लपेटा हुआ है इसको फिर से हम दो बार ही लपेट कर निकालेंगे। फिर धागा नहीं करेंगे। तीन फंदे सीधे बना लिए। इसको फिर से हम दो बार लपेट कर निकालेंगे। फिर तीन फंदे सीधे, दो, तीन। तीन फंदे सीधे। अब उल्टी साइड से देखिए तीन फंदे सीधे, ये दो बार लपेटा हुआ है अपनी तरफ धागा करेंगे और इसको फिर से हम दो बार लपेट कर ही निकालेंगे। फिर धागा पीछे करेंगे और तीन फंदे सीधे, दो, तीन। धागा अपनी तरफ करेंगे, इसको दो बार लपेट कर निकालेंगे। फिर धागा पीछे करेंगे और तीन फंदे सीधे बनाएंगे। अब देखिए राइट साइड से अब इस बार हम ये चार सलाइयां कंप्लीट हो गई हैं दूसरे कलर से, तो इस बार हम ये वाला धागा लेंगे। तीन फंदे सीधे। अब देखिए फिर से ये चार फंदे खोलने हैं, दो, तीन, चार। चार फंदे खोल लिए। अब इन फंदों के चारों के ऊपर से जो हमने पहले बनाए थे देखिए इस तरह से निकालेंगे और इस सलाई में करेंगे। अब इसको हम दो बार लपेट कर फंदा निकालेंगे। फिर तीन फंदे सीधे। फिर हम चार फंदे खोलेंगे, एक, दो, तीन, चार। चार फंदे खोलने के बाद इस तरह से रखेंगे और इन चारों फंदों को हम इनके ऊपर से निकाल के और फिर इसको हम दो बार लपेट कर बनाएंगे। फिर तीन फंदे सीधे। फिर
और देखिए इसी तरह से ये हमारा डिज़ाइन बनेगा। आपको बार बार यही लाइन रिपीट करनी है और देख